हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपका नया पोर्शन एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बाद एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ कि फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो फिजियोलॉजी ना, ये जो फिजियोलॉजी वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, हमने फिजियोलॉजी वर्ड को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक था आपका फिजियो और दूसरा आ गया आपका लॉजी। लॉजी का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी क्या कहता है? टू स्टडी, अध्ययन करना। और फिजियो का मतलब होता है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, यानी जब हम किसी जीव के उपापचय क्रियाओं का अध्ययन करें तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कार्यकी या फिर हम उसे फिजियोलॉजी कहेंगे। अब देखिए, फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानव का पाचन तंत्र। और मानव के पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो देखें सबसे पहले कि पाचन क्या होता है। तो पाचन का मतलब होता है यहाँ पर जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में बदल देना। क्या होता है? तो ध्यान से देखना, समझना। जटिल खाद्य पदार्थ को विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में किसमें? सरल अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में बदल देने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब इसी डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डाइजेशन के मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है उसको बताया है। देखिए कि कार्बोहाइड्रेट है आपका, कार्बोहाइड्रेट में मैंने लिया है पॉलीसेकेराइड्स। क्या लिए हैं? पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फैट होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प्रोटीन होगा वो किस में बदल जाएगा? अमीनो एसिड के अंदर बदल जाएगा। तो यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ये फैट है, ये प्रोटीन है, ये क्या है आपके? ये है आपके जटिल खाद्य पदार्थ, है ना। हम जो फूड ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ मिनरल और कुछ विटामिन्स भी उसके अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन पाचन किनका होता है? पाचन इन कार्बनिक पदार्थों का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट का यानी पॉलीसेकेराइड का होगा तो मोनोसेकेराइड बनेगी, जब फैट का होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा, और जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है, विच इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, है ना। कैसी प्रोसेस है ये? फिजियोकेमिकल। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की फिजिकल यानी भौतिक, और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। कैसी प्रक्रिया है ये? यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। और भौतिक रासायनिक प्रक्रिया से अभिप्राय क्यों कह रहे हैं इसे भौतिक रासायनिक प्रक्रिया? भाई सारे के सारे एंजाइम ही तो कर रहे हैं डाइजेशन, फिर इसको केमिकल प्रोसेस क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुख गुहा में उसे दांतों के माध्यम से क्या किया जाता है? काटा जाता है, उसे चबाया जाता है, जिसकी वजह से भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर आंत्र में होने वाली जो गतियां हैं, उन गतियों से उस भोजन में एंजाइम को मिक्स किया जाता है, तो वो भी एक फिजिकल मेथड है। तो यानी फिजिकली आप कह सकते हैं कि भाई दांतों से चबाना और क्रमाकुंचन जैसी गतियों से भोजन में लार को या फिर भोजन में अन्य जो पाचक एंजाइम है उनको मिक्स करना। और रासायनिक
रासायनिक में सभी एंजाइम की उपस्थिति में जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उन सबको आप क्या कहेंगे, केमिकल कहेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन तंत्र का जो ओरिजिन है, उद्भव है, वही पाचन तंत्र जो है ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात कर रहे हैं तो पाचन तंत्र का ओरिजिन यानी उद्भव कहाँ से हुआ है, तो आपको पता है हमारी बॉडी में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है और हमारे शरीर के सभी अंग किससे बनते हैं, उन जनन स्तरों से बनते हैं। तो यहाँ पर एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है, जो बाह्य जनन स्तर, जो अंतः जनन स्तर है, उन्हीं के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, निर्माण। अब देखिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है ना, ये ना टाइप्स ऑफ डाइजेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, टाइप ऑफ डाइजेशन, टाइप ऑफ डाइजेशन, पाचन के प्रकार। अब पाचन कितने प्रकार का होता है? पाचन 2 प्रकार का होता है बेटा जी। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को आप कह सकते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। क्या कहेंगे आप? अंतः कोशिकीय पाचन। और दूसरा आप कहेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। अब देखो शब्द में ही आपको आंसर पता चल रहा होगा कि अंतः कोशिकीय का मतलब कोशिका के अंदर होता है और बाह्य कोशिकीय मतलब कोशिका के बाहर होता है। तो सिंपल सा आप यहां पर लिख सकते हैं जब पाचन की प्रक्रिया एक कोशिका के भीतर खाद्य रिक्तिका में संपन्न हो, एक कोशिका के भीतर किसमें हो, खाद्य रिक्तिका में संपन्न होती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, यह कहलाती है आपकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतः कोशिकीय पाचन। दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्य कोशिकीय पाचन। जब पाचन की प्रक्रिया किसी एक कोशिका में ना होकर शरीर में किसी एक कैविटी या किसी एक गुहा के अंदर संपन्न होती है, तो यानी आउटसाइड ऑफ द सेल यानी कोशिका के बाहर, तो किसमें हो रही है, कैविटी के अंदर, और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। तो जब पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न हो तो वो बाह्य कोशिकीय पाचन, जब पाचन की प्रक्रिया एक कोशिका के भीतर खाद्य रिक्तिका में हो तो उसे हम अंतः कोशिकीय पाचन कहेंगे। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जो जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया है ना, इन सब के अंदर पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, अंतः कोशिकीय। और जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनके अंदर सब में पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है आपकी, बाह्य कोशिकीय होती है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किस में आते हैं, हमारी बॉडी में पाचन की प्रक्रिया कौन से प्रकार की होगी, तो हम मल्टीसेलुलर में आते हैं। हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, तो हमारे अंदर कौन सा प्रकार का पाचन होगा, बाह्य कोशिकीय पाचन होगा। नेक्स्ट आ जाता है पाचन तंत्र के अवयव कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कौन कौन करता है। तो देखें यहां पर एलिमेंट्री केनाल यानी जो आपकी शरीर में आहार नाल है, ये आहार नाल केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण नहीं करती बल्कि इसके साथ में कुछ पाचक ग्रंथियां है ना। तो देखिए दो एलिमेंट है आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इट मींस क्या हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां। अब देखिए हम बात करें अगर यहां पर आहार नाल की कि भैया आहार नाल में कौन कौन से एलिमेंट है, और यहाँ पर हम बात करें पाचक ग्रंथियों की तो पाचक ग्रंथियों में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी पाचक ग्रंथि और ये हो गई आपकी आहार नाल। आहार नाल देखें कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वैसे तो ये मुख से स्टार्ट होती है लेकिन मुख में कोई डाइजेशन नहीं बल्कि मुख जहाँ खुलता है वहाँ पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। तो सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है आपका मुख गुहा, ठीक है ना। मुख गुहा आगे जाकर किस में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है, तो ये हो गया आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आ जाता है ग्रसिका।
ग्रसिका के बाद आ जाता है आमाशय, और आमाशय के बाद में आ जाती है आपकी आंत्र। तो यानी आहार नाल के ये पार्ट्स हैं, फ्लोचार्ट की फॉर्म में आप यहाँ ध्यान रखें। अभी मैं आपको डायग्राम से भी ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आहार नाल में कौन कौन से भाग है, देखिए मुख गुहा हो गया, फिर ग्रसनी हो गई, फिर ग्रसिका, आमाशय और अंत में आ जाता है आंत्र। आंत्र को आप पुनः कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, है ना। छोटी आंत और बड़ी आंत, ये हमने लिख दिया यहाँ पर छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत्र, ठीक है। छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, पुनः छोटी आंत्र जो है वो तीन भागों में विभक्त होती है। कौन कौन सी, तो ध्यान में रखें अग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुधात्र, ठीक है ना। कितने भाग हैं यहाँ पर, तीन भाग है, ग्रहणी, मध्यात्र और क्षुधात्र। और इसी प्रकार से जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी पुनः कितने भागों में, तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सीकम, कॉलन और अंत में रेक्टम, या इसे आप कह सकते हैं मलाशय, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, सीकम, कॉलन और मलाशय। तो छोटी आंत्र के तीन पार्ट और बड़ी आंत्र के तीन पार्ट। अंत में जो मलाशय है वो गुदाद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जहाँ से अपचित भोज्य पदार्थों का त्याग कर दिया जाता है। तो ये आगे चीज़ें आ रही हैं, सारी की सारी हमको डिटेल से स्टडी करनी है। उसके बाद में देखिए पाचक ग्रंथियों के अंदर कौन कौन से आती, तो मुख्यतः हम बात करें तो आ जाती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब लार ग्रंथी, लीवर का मतलब हो गया आपका यकृत, और अंत में आ जाता है आपका पैनक्रियाज या अग्नाशय। तो ये मुख्यतः तीन ग्रंथियों को आप किस में स्टडी करते हो, पाचक ग्रंथियों में अध्ययन करते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, कि डायग्राम के माध्यम से हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके एक एक एलिमेंट को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि सबसे पहले देखें, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इजी वे में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आ जाता है माउथ या मुख, है ना। तो दो ओष्ठ के द्वारा या दो होठों के द्वारा गिरा हुआ जो अनुप्रस्थ छिद्र है, दो होठों के द्वारा गिरा हुआ अनुप्रस्थ छिद्र क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। और मुख के अंदर की तरफ आपकी एक कैविटी, एक गुहा प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी या मुख गुहा। मैं इंग्लिश के साथ में हिंदी भी लिखता जा रहा हूं, तो अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है ना। देखे मुख जो है वो अंदर की ओर कहाँ खुलता है, बकल कैविटी के अंदर या मुख गुहा में खुलता है। अब देखें कि मुख गुहा के अंदर तीन एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जीवा, दांत और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो इनको हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि मुख गुहा के अंदर जीवा होती है जो भोजन को लार में मिलाने का काम करती है, या भोजन के साथ में लार को मिक्स करने का काम करती है, दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा का यानी लार का सिक्रेशन करती है, जिसमें म्यूकस और कुछ एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट वगैरह उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें आपको लार ग्रंथियाँ भी ध्यान में रखनी है, तो मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियाँ खुलती हैं वो कितनी होती हैं, तो आपको ध्यान में रखना तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक जोड़ी आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना, एक जोड़ी जो है वो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, दूसरी जोड़ी आपकी सब मैक्सिलरी, और तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना। तो इसे हिंदी में कर्ण पूर्व ग्रंथि, इसे हम कहते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि, ठीक है। जो आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है इसे हम यहां पर कहते हैं
अधोहनु ग्रंथि, और ये जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है इसे अधो जिह्वा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। या फिर आप सीधा सा इसको हिंदी में भी इसी तरीके से याद रख सकते हैं, एक जोड़ी पैरोटिड, एक जोड़ी सब लिंगुअल और एक जोड़ी सब मैक्सिलरी ग्लैंड उपस्थित होती है। अब क्या होता है, देखो मुख गुहा अंदर की तरफ एक पतली नलिका में जाकर खुलती है जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ये रही फैरिंग्स या ग्रसनी, और ग्रसनी एकमात्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वह ट्यूब या वह भाग है जो भोजन तथा वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग की भांति काम करता है। यानी ऊपर से जो नेजल चैम्बर है वो भी फैरिंग्स में खुलता है, और जो आपकी बकल कैविटी से आने वाला फूड है वो भी इसी चैम्बर में आता है। तो यानी ग्रसनी एकमात्र वह नलिका है जहाँ भोजन मार्ग और वायु मार्ग दोनों खुलते हैं। तो आप कह सकते हैं भोजन तथा वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा, तो ध्यान में रखें कौन सा होगा, फेरिंग्स होगा, ग्रसनी। ग्रसनी आगे जाकर एक थोड़ी सी ब्रॉड ट्यूब के अंदर खुलती है जिसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं ग्रसिका। तो देखिए मुख आगे जाकर खुला मुख गुहा में, मुख गुहा आगे जाकर खुली है ग्रसनी, और ग्रसनी आगे जाकर खुली है ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका कुछ लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी वक्ष गुहा से होती हुई, थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा से होती हुई कहाँ खुलती है, उदर गुहा में खुलती है। और उदर गुहा में किसमें, जो आपका स्टमक है, जो आपका आमाशय है उसमें जाकर खुलती है। तो देखें यहाँ पर जस्ट ये रही आपकी ग्रसिका और ये रहा आपका आमाशय, तो ग्रसिका आमाशय में खुल रही है, लेकिन ग्रसिका और आमाशय दोनों के संयोजन स्थल पर, मिलने वाले स्थल पर एक अवरोधनी उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं कार्डियक अवरोधनी। अब जितने भी अवरोधनी है वो क्या उत्पन्न करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो यहां पर जितने भी वाल्व, जितने भी स्फिंक्टर आ जाते हैं उनके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि वो रिवर्स फ्लो ऑफ फूड को रोकेंगे, भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकेंगे। यानी भोजन एक बार यदि आमाशय में आ गया तो वो पुनः आपका ओइसोफेगस के अंदर, यानी पुनः आपका जो ओइसोफेगस है इसमें नहीं जाएगा। क्यों? ये जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है ये इसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखें तो जस्ट आपका जहाँ ओइसोफेगस समाप्त होकर स्टमक में खुलती है, स्टमक के जस्ट ऊपर एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसको आप कहते हैं डायफ्राम, और आपके शरीर की पूरी जो कैविटी है, गुहा है, उसको दो भागों में डिवाइड करने का काम किसका है, डायफ्राम का है। किसका है? डायफ्राम का। डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी है उसे आप कहते हैं वक्ष गुहा, जिसमें फेफड़े, हृदय है ना, ये उपस्थित होते हैं। जस्ट डायफ्राम के नीचे की तरफ जो होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखें डायफ्राम दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कैविटी को, ऊपर थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। अब स्टमक के यहाँ पर आपको आमाशय के चार भाग देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, तो हिंदी में भी आप इसी को यही कहेंगे कार्डियक, फंडस, काय और पाइलोरिक। कितने भाग हैं आमाशय के, चार भाग हैं। जस्ट जो आपका जहाँ पर ग्रसिका खुलती है वो भाग कार्डियक, उसके नीचे का कुछ उभरा हुआ भाग या फैला हुआ कुछ चौड़ा भाग क्या कहलाता है, फंडस। जो मेन या मुख्य भाग है इसका वो होती है इसकी बॉडी जहाँ डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और अंत में आमाशय का वो भाग जो छोटी आंत्र के साथ में संबंधित होता है या ग्रहणी के साथ में संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक। चारों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, स्टमक या आमाशय का निर्माण कर रहे हैं, क्लियर। अब देखें कि जैसे ही आमाशय का जो पाइलोरिक पोर्शन है वो खत्म हो रहा है और छोटी आंत्र का ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है स्टमक के बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को आप कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, ग्रहणी, मध्यात्र और क्षुधात्र।
जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है आपका कि आमाशय आगे आकर किस में खुला, ड्यूडेनम के अंदर खुला। किस में खुला, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग है जो सी आकार का होता है। तो ये रहा आपका सी आकार की ग्रहणी। अब ग्रहणी और आमाशय के मध्य, जैसे ग्रसिका और आमाशय के मध्य एक वाल्व था, वैसे का वैसा आमाशय और ग्रहणी के मध्य आपका एक वाल्व है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसको आप क्या कह सकते हो, पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी कह दो, ठीक है ना। ये पाइलोरिक अवरोधनी भी क्या करती है, जो काम कार्डियक स्फिंक्टर कर रही थी वो भी पाइलोरिक अवरोधनी करेगी, भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकेगी। यानी जो भोजन एक बार ड्यूडेनम में आ गया, छोटे आंत्र में आ गया, उसे पुनः आमाशय में नहीं भेजा जा सकता, या आमाशय में जाने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। अब होता क्या है देखो, कि ये भोजन आपका आ गया किसमें, ग्रहणी के अंदर आ गया। तो ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम ड्यूडेनम या फिर जिसको हम कहते हैं ग्रहणी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपकी दो पाचक ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। ग्रहणी की जो कैविटी आपको दिख रही है, ये गुहा, इस गुहा में आपका उपस्थित होता है पैनक्रियाज या अग्नाशय, एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है, ध्यान में रखें। और जस्ट आप देखें कि इसी के जस्ट ऊपर या आमाशय के पैरेलल आपको एक बड़ी सी ग्रंथि देखने को मिल रही है, जिसे हम कहते हैं यकृत, लीवर। यकृत का काम पित्तरस का निर्माण करना, और पित्तरस के संग्रह का काम होता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर का, ठीक है ना। किसका होता है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर का काम क्या होगा, ये जो लीवर आपका पित्तरस बनाएगा, बाइल जूस बनाएगा, उस बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ, गॉल ब्लैडर के अंदर होने वाला है। और अग्नाशय जो है वो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम का स्त्राव करता है। अब देखें कि पैनक्रिया से एक डक्ट निकल रही है, एक नलिका निकल रही है, डक्ट का मतलब नलिका, ये नलिका, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलोगे इसको, पैनक्रियाटिक डक्ट। लीवर से आपकी एक डक्ट निकल रही है जिसको आप बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट कह सकते हैं। हिपेटो वर्ड किसके लिए यूज लिया जाता है, हमेशा लीवर के लिए। हेपेटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर एक कॉमन नलिका का निर्माण किया, जिसको आप कह रहे हो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कह रहे हैं, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ आकर खुलती है, ड्यूडेनम के अंदर आकर खुलती है, ग्रहणी में आकर खुलती है। अब आगे चले, ये ग्रहणी आगे जाकर फर्दर, क्योंकि अभी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट, केवल ग्रहणी, इस ग्रहणी के आगे क्या होता है, इसके आगे होता है जेजुनम और उसके आगे इलियम। तो ग्रहणी और जेजुनम के अंदर तो पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है मुख्यतः, और जो इलियम है उसमें अवशोषण की प्रक्रिया। वैसे तो पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ही पाचन और अवशोषण होता है, लेकिन अधिकांशतः पाचन आपका ड्यूडेनम और जेजुनम में हो जाता है। और अधिकांश अवशोषण किस में होता है, तो आप ध्यान में रखें इलियम के अंदर सबसे ज़्यादा अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये रहा आपका जस्ट ग्रहणी के बाद में आ जाता है मध्यांत्र, है ना, जेजुनम। और जेजुनम आगे जाकर खुलता है क्षुद्रांत्र के अंदर, जिसे आप कहते हैं यहाँ पर इलियम। अब देखिए भोजन जो है वो इस तरीके से आ रहा है, पहले जेजुनम में आया, अब जेजुनम से किस में आ रहा है, ये इलियम में आ गया। अब भोजन जो इलियम में आया है, ये भोजन इलियम के थ्रू किस में एंटर करेगा, ये आपका बड़ी आंत्र में जाकर खुल जाता है। अब देखो फर्दर, मैंने आपको बताया ना कि जो छोटी आंत्र और आमाशय का मिलन जो हो रहा है वहां पर भी स्फिंक्टर था, ओइसोफेगस यानी ग्रसिका और आमाशय का जहां मिलन हो रहा है वहां पर भी स्फिंक्टर था। इसी प्रकार से छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र जहां मिल रहे हैं, तो ये जो इलियम है ये बड़ी आंत्र के अंदर एक वाल्व के थ्रू खुलती है, जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहेंगे, इलियोसिकल वाल्व। इलियम है तो इलियो किस में खुल रहा है, सिकम में खुल रहा है, तो सिकल कह दिया, तो इलियोसिकल वाल्व। और ये जो इलियोसिकल वाल्व है ये क्या करता है, काम वही है इसका, रिवर्स फ्लो ऑफ फूड को रोकने का काम, यानी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। यानी बड़ी आंत्र में कोई भोजन आ गया वो वापस छोटी आंत्र में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो थी बात छोटी आंत्र की, अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत्र की। बड़ी आंत्र और छोटी आंत्र को क्या लेंथ के आधार पर छोटी आंत्र बड़ी आंत्र कहते हैं, नहीं, लेंथ
सबसे ज़्यादा किसकी होती है? छोटी आंत की होती है, लेकिन जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कम होता है, इसीलिए हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए वो लार्ज है, ठीक है ना। उस तरीके से आपको देखना है। अब फर्दर आपको पता है फ्लोचार्ट के अंदर मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके तीन पार्ट हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये रही आपकी सीकम, जिसे हम अंधनाल कहते हैं, सिकम या अंधनाल जिसको हम कहते हैं, अंधनाल वाला पोर्शन हो गया। अंधनाल में आपको एक ध्यान रखना है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है, जिसे क्रमी रूपी परिशेषिका, जिसे क्रमी रूपी परिशेषिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो क्रमी रूपी परिशेषिका है, ये क्या करती है? तो जितने भी चारण पशु हैं, घास चरने वाले हैं ना, उनके अंदर सेलुलोज के पाचन के लिए उत्तरदायी है। जबकि हम तो घास नहीं खाते हैं, तो हमारे अंदर सेलुलोज के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारे अंदर एक अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित होती है, जबकि चारण पशुओं में एक सक्रिय अंग के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है ना। अब देखिए उसके आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो सिकम वाले पोर्शन में, सिकम के बाद में सेकंड आ जाता है कॉलन, और कॉलन को चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान से समझना, सिंपल सा है। भोजन यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, इसलिए आपने कह दिया इसको असेंडिंग कॉलन, आरोही कॉलन कह सकते हैं। ऊपर चढ़ रहा है ना, तो हमने कह दिया आरोही कॉलन। फिर क्या हुआ, देखो अनुप्रस्थ रूप से जा रहा है, तो इसको हमने कह दिया ट्रांसवर्स कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन कह सकते हैं आप हिंदी में। अनुप्रस्थ के बाद में देखिए अब भोजन कहाँ जाएगा, फूड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो यानी कौन सा होता है, डिसेंडिंग, तो यह आपका हो गया अवरोही कॉलन, ठीक है ना। और एट लास्ट यहां पर एक घुमावदार भाग आपको मिलता है, जिसको आप कहते हैं सिग्मोइड कॉलन, ठीक है ना। तो यानी कॉलन के कितने पार्ट, चार भाग हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, यानी आरोही कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन, अवरोही कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। कॉलन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको टीनी कोलाई कहते हैं। इस टीनी कोलाई के अंदर बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं, और कुछ विटामिन्स वगैरह उनके एब्जॉर्प्शन या उनके अवशोषण में सहायक होते हैं। अब देखें एट लास्ट कॉलन के बाद जो पोर्शन आ जाता है, वो आ जाता है आपका रेक्टम, और रेक्टम को आप कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय, यानी जहाँ पर मल एकत्रित होता है, जहाँ पर अपचित भोज्य पदार्थों को संग्रहित किया जाता है, वो आपका हो गया मलाशय। और मलाशय जो है वो आपका एनाल कैनाल में जाकर खुलता है, यानी एक जो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे गुदा नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा नलिका। गुदा नलिका में आकर खुलता है, और गुदा नलिका अंत में जाकर आपके गुदा द्वार एनस में जाकर खुल जाती है। अब ये तो एक कॉमन सी बात है कि भाई मलाशय जो है वो आपका गुदा नलिका में खुला, और गुदा नलिका जाकर और गुदा द्वार में खुल गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी आपको दो तरह के स्फिंक्टर देखने को मिलेंगे। एक स्फिंक्टर जो है वो आपका कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ। तो आप इसको इंटरनल और इसको एक्सटर्नल कह सकते हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो तो होता है अनैच्छिक, यानी इसके खुलने और बंद होने पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जो आपका दूसरा वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, और इसी के द्वारा हम मल का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज़ आपको मैंने समझा दी है, ठीक है ना, इस पूरे डायग्राम में। तो आपको इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए, उसकी सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बेटा, कोई भी डायग्राम जब आता है, उसकी जब तक आप 2-3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होने वाला है। तो इसलिए ध्यान में रखें कि आपको इन चीज़ों की क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है।